अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है? काम कर रहे थे? वेरी गुड। कौन सा काम कर रहे थे? अच्छा, जो कल हमने काम किया था उसे रिवाइज कर रहे थे। अरे वाह भाई, मेरे दोस्त तो बड़े अच्छे बच्चे हो गए हैं कि भाई काम कर लेते हैं और काम करने के बाद उसे रिवाइज भी करते हैं, है ना? कल हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी थी, जल्दी से बताएं। मैंने रिवाइज नहीं किया ना, मैं भूल गई। कल कौन सी हमने आवाज़ पढ़ी थी? क की आवाज़। हाँ, कल क की आवाज़ पढ़ी थी। और कल हमने क से शुरू होने वाली कुछ तस्वीरों के बारे में पढ़ा था, है ना? कौन कौन सी तस्वीरें थी वो? क से क केक। हाँ, क केक। और कबूतर। हाँ, कबूतर। और टोकरी, नहीं टोकरी की शुरू की आवाज़ क टोक, नहीं नहीं टोकरी तो नहीं थी। और कौन सी आवाज़ थी भाई जो क से स्टार्ट हो रही थी, क से शुरू हो रही थी? हाँ, केतली। केतली। हमने कबूतर के बारे में पढ़ा, केतली के बारे में पढ़ा था, केक के बारे में पढ़ा था, और हमने क की एक छोटी सी प्यारी सी नज़म भी तो पढ़ी थी। याद है वो नज़म कौन सी है? याद है आप लोगों को? रिवाइज की थी, मैंने कहा था ना बार बार रिवाइज करना है आप लोगों ने, जब भी काम करना है साथ साथ रिवाइज करना है। याद की भी है? अरे वाह भाई ज़बरदस्त, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं, सारा काम करके रखा हुआ है। तो जल्दी से बताइए क की नज़म क्या थी, सुनाए जल्दी से मुझे। हाँ, क के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। क के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। जी, यानी कि हमने क की नज़म को भी दोहरा लिया, क से शुरू होने वाली चीज़ों को भी दोहरा लिया। अब क्या करें, नया काम करें? चलें ऐसा करते हैं, इस काम दोहरा लिया है, कुछ काम कर लेते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिखने की मश्क कर लेते हैं। जी के क लिखा कैसे जाता है भाई, हमने दोहरा तो लिया है हर चीज़ को, है ना? लिखने की मश्क कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी किताब निकालेंगे, उर्दू सिलसिला साल दो की किताब निकालें। सफ़र नंबर यहाँ पर हमारा 82 खुल गया है, और इस 82 सफ़े पर हमने क्या करना है देखें जनाब जी। सबसे पहले हमने आइकन्स देखने हैं। आइकन्स देख के ज़रा मुझे बताइए सफ़े पे कितने आइकन्स मौजूद हैं? 1 2 3 तीन आइकन्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक जनाब। पहला आइकन कौन सा है? ब की आधी शक्ल बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। मतलब क्या है? पेंसिल फेरिए। बिल्कुल जनाब, पहले पेंसिल फेर लेंगे, उसके बाद लिखिए। जी जनाब, लिखना है। और उसके बाद मानो बिल्ली बैठी हुई है, मानो बिल्ली तो हमसे कहती ही यही है कि भाई रंग भरिए, तो हमने रंग भरना है। पहले हम पेंसिल फेरेंगे, फिर लिखेंगे, और उसके बाद रंग भरेंगे। इन सब काम करने से पहले तारीख लिखेंगे। जी जनाब, तारीख लिखेंगे। तो भाई देखते हैं कौन सी आवाज़ है, और आवाज़ के साथ में तस्वीर क्या दी गई है हमें। कबूतर, 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 कबूतर की शुरू की आवाज़ ख, कबूतर की शुरू की आवाज़ ख, ख कबूतर, ख कबूतर, ख कबूतर। बिल्कुल ठीक जनाब, ख कबूतर। और ख की हमारी अब क्या करना है, ख के साथ में हमने पेंसिल फेरनी है ना। पहला आइकन हमसे कह रहा है पेंसिल फेरिए, निकाल लीजिए अपनी पेंसिल, शॉर्प कर लीजिए अच्छे से। और फिर क्या करेंगे, पेंसिल को रखेंगे ख के बीच में, बना हुआ है एक छोटा सा नुक्ता, उस पर रखेंगे पेंसिल, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, और देखते ही देखते हमारा ख बन जाएगा। लेकिन ख बनाते हुए हमने क्या करना होता है भाई जी? हमने जो है नज़म पढ़नी होती है इसकी। और इसकी नज़म क्या थी? हम पेंसिल फेरेंगे ना जब ख पे, तो नज़म भी पढ़ेंगे। और नज़म क्या थी हमारी? ख के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। केक ऊपर कशिश लगाओ, के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। जी जनाब, आप ये नज़म पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, और अपने
ख बनाने की प्रैक्टिस करते जाइए, ख पे पेंसिल फेरते जाइए। जब आप ख पे पेंसिल फेर लेंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ मौजूद है नीचे दो लाइनें जिसमें भी नुक्ते बने हुए हैं, इस पे भी हमें पेंसिल फेरनी है और इन पे जब हम पेंसिल फेरेंगे तो भी हम साथ साथ नज़म पढ़ते जाएंगे, इसी तरह तो हमें नज़म पक्की पक्की याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा सा नुक्ता बना हुआ है, एरो बने हुए हैं, इनको फॉलो करते हुए, इनको देखते हुए, नुक्ते से नुक्ता मिलाते हुए हमारा ख बन जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों लाइनों पे पेंसिल फेर लेंगे, अच्छे से फेरेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, काम ख़राब नहीं करना, गंदा गंदा काम नहीं करना, तो क्या करेंगे, नीचे मौजूद है हमारे पास तीन लाइनें, यहाँ मौजूद हैं दो नुक्ते, पहले नुक्ते से आप स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख बनाएंगे। मुझे पता है आप ख बना लेंगे क्योंकि आप ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, मशक कर चुके होंगे लिखने की, नीचे आपने खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है, खुद लिखने की मशक करनी है, लेकिन साथ साथ यहाँ नज़म पढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप पूरा ख लिखने की मशक कर लेंगे फिर क्या करेंगे, मानो बिल्ली का कहना मानेंगे, और मानो बिल्ली का कहना मानने के लिए क्या करेंगे, सारे कलर पेंसिल्स निकाल लेंगे, कलर पेंसिल्स को शॉर्प कर लीजिए, और शॉर्प करने के बाद यहाँ मौजूद है हमारे कबूतर साहब, इन कबूतर साहब पे अच्छे अच्छे से रंग करिएगा, एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे करें या दाएं बाएं करें, लेकिन डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, यानी कि सेम एक ही होनी चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं करेंगे तो कबूतर साहब तो गंदे लगने लगेंगे, फिर वो उड़ जाएंगे, है ना। तो हमने करना है अच्छा अच्छा काम, हम करेंगे रंग, और रंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मम्मा पापा को चेक करा देंगे, रीचेक ज़रूर कराया करें कि पता चले कि भाई कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और जब वो काम आप कंप्लीट कर लेंगे, रीचेक करा लेंगे, तो टीचर की कॉल आ जाएगी और टीचर से आप कहेंगे जी भाई काम कंप्लीट है हमारा, आप उनको बताइए कि आज हमने लिखने की मशक की है, और अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।